हम लोग अभी आए लंच करने के लिए आबशार होटल पे, और ये पीछे देख रहे हैं कि पीछे जो है ना पूरा जो चश्मा है एक टाइप का आबशार है, वो पूरी बहती हुई जा रही है। आगे बत्तखें भी खड़ी हुई है और बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का, जैसे यहाँ वीडियो में तो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी हम लोग आए शोगरान से और अभी हम जीप से उतरे हैं, जब अपनी गाड़ियों को यहाँ पर आएँ, अभी हम यहाँ पर लंच करेंगे। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का। पहाड़ों से गिरा ये होटल और ये बहता हुआ पानी आपको वो सुकून देता है जिसकी आपको तलाश है। ये जगह कागान से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले आती है। ना सिर्फ ये जगह खूबसूरती की आला मिसाल है, बल्कि इसका खाना भी लाजवाब है। कलम भाई कैसी जगह है यार? बहुत अच्छी जगह है। आप सब लोग हैं या फैमिली को लाएंगे कि भाई ये कागान से तकरीबन 25-30 किलोमीटर पहले आता है और पानी में बैठ कर खाना खाएँगे, बहुत इंजॉय करेंगे और एक नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर। हाँ ये बात तो है। और आपको शोगरान कैसा लगा? शोगरान बहुत अच्छा लगे। शोगरान सालार कागान का दिल कहलाता है, बहुत अच्छी जगह है, सब आए लेकिन आना आपने सीज़न में अभी सीज़न स्टार्ट हो गया। ये पर्चा याद कर कर आए वही बता रहे हैं। कढ़ाई टेस्ट करने के बाद हमने इनसे चाय मंगवाई और जिस तरह इनका खाना लाजवाब था उसी तरह इनकी चाय भी लाजवाब थी। अच्छा जी, तो हम आए हुए अबशार होटल से और भाई चाय पी रहे हैं। चाय बहुत कड़क है, चाय भी बहुत अच्छी है और कढ़ाई भी बहुत अच्छी है, दोनों आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा है, व्यू तो बहुत कमाल है। यहाँ चाय पीने के बाद हमने कुछ तस्वीर खिंचवाई, जिसके बाद हम इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहते हुए अपनी मंजिल आज़ाद कश्मीर की जानिब रवाना हुए। आज़ाद कश्मीर खिवाई से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसका दौरानिया 5 घंटे हैं। आज़ाद कश्मीर का प्रॉपर व्लॉग मेरे इस चैनल पर अपलोड है, सो प्लीज़ अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अपलोडेड वीडियोज़ को चेक करें। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।